सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को इस्लामी साल के शुरू होने की मुबारकबाद देता हूँ। इस्लामी साल जो है ये मुहर्रम अल हराम के महीने के साथ शुरू होता है। दूसरी बात ये है कि ये मुहर्रम अल हराम का महीना है और इसमें इस्लाम की तारीख में एक बहुत ही लाजवाब कुर्बानी दी गई। इमाम हुसैन, उनके ख़ानदान और उनके जो रफका थे, उन्होंने एक ऐसी कुर्बानी दी जो तमाम मुसलमानों के लिए ता क़यामत वो उसमें एक बहुत बड़ा सबक है और रहनुमाई है। इस महीने को बजाय इसके कि हम आपस में मसलकी इख्तलाफात की नज़र कर दें, दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो ये महीना जो है ये हम सबको ये दावत देता है और ये इसकी रहनुमाई करता है कि हम सब ने अपने दीन के लिए कुर्बानी देनी है, अपने बच्चों के लिए कुर्बानी देनी है, अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देनी है, उम्मते मुस्लिमा के लिए कुर्बानी देनी है। और जब तक हम कुर्बानी का जज्बा अपने अंदर पैदा नहीं करेंगे, हम ना दुनिया के साथ आगे चल सकते हैं, ना हम अपने आप को किसी तरीके से बचा सकते हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि हमारे दुश्मन जो हैं इस्लाम के दुश्मन, चूँकि इस्लाम ने इस दुनिया की रहनुमाई की है और दुनिया में बहुत ज़्यादा इस्लाम का गलबा रहा है और अभी दुश्मनों ने और बहुत सी चालें चल चुके हैं और अभी उनकी आखिरी चाल ये है कि मुसलमानों के अंदर मसलक की बुनियाद पे नफरत पैदा की जाए, इनको तकसीम किया जाए, इनमें तसादम का एक माहौल पैदा किया जाए ताकि इनको बर्बाद किया जाए। मेरी ये दरख्वास्त है खासकर नौजवान मुसलमानों से, हमारे पाकिस्तानी जो नौजवान हैं, हमारे बच्चे हैं, अपने जज्बात को काबू में रखें और कोई मसलकी इख्तलाफ की ना तो पोस्ट लगाएं सोशल मीडिया पे, ना इस बहस में पड़े। हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से सबक हासिल करना है और हमने अपने अंदर कुर्बानी का जज्बा पैदा करना है। पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान की सलामती के लिए भी हमें बहुत बड़ी कुर्बानी देनी है और इस जज्बे को साथ लेके हम अगर आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम हमारी मुस्लिम उम्मा और पाकिस्तान ये दोनों सलामत रहेंगे। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को सलामत रखे, हमारे पाकिस्तान को सलामत रखे और मुस्लिम उम्मा को सलामत रखे। आमीन। जज़ाकअल्लाह।